ऐसे हम लोगों को डोमिनेटेड नहीं होना है, अपने तरीका से हमें जीना है। काम करें मतलब ये हम लोग कोई आया नौकर ये लोग ऐसे जैसे ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं देना चाहिए, है ना। अगर कोई कर रहे हैं तो वो गलत है और वी शुड रिवोल्ट अगेंस्ट दैट, ठीक है ना। इसको सहना नहीं है। ये सुबह का नाश्ता बन गया, पूरी और साथ में मिक्स दाल का एक करी। और इतना बिजी हम लोग इधर उधर होते हैं ना, ये मेरी चाय जल गई, देखिए चाय डाल के कुछ कर रही थी और पूरा जल गई है। फिर अच्छा चाय मैं बनाई इधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया व्लॉग्स। इंडियन बिजी हाउसवाइफ, इंडियन बिजी मॉम, ये तो सही है। इतना ज़्यादा बिजी आजकल हो गए, चाहे आप वर्किंग हो या आप हाउसवाइफ हो। और औरत लोग तो बिजी रहते ही हैं, वो रहेंगे और घर को अच्छी तरह से संभालेंगे तब जाके मतलब सब होगा, ठीक ठाक से चलेगा, है ना। तो ये तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाउसवाइफ सिर्फ गंवार है। इसका मतलब ये नहीं कि हाउसवाइफ है तो वो सस्ती सवरती, उसको कोई नहीं है या फिर उसको ज़रूरत नहीं है। तो किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हाउसवाइफ है, उसे क्या ज़रूरत है, वो तो हाउसवाइफ है, उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो कुछ बोल नहीं सकती है और वो बस काम ही करेगी घर का, ये बात नहीं है। उसे भी इंडिपेंडेंट होने का हक है और उसे भी अपना मतलब वो घर का ध्यान रख रही है, घर में सभी लोगों का ध्यान रख रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसका भी पूरा भरपूर ध्यान है कि वो अपने तरीक़ा से जिए। और उस पर अगर कोई भी रोक लगा रहे घर के कोई भी सदस्य, ये सही काम नहीं कर रहे हैं। तो यही मैं आज सोच रही थी कि हम लोग को भी कुछ हक है। घर का काम कर रहे हैं, अभी सुबह से बिजी रूटीन तो ख़त्म हो गया और मम्मी लोग बच्चों को स्कूल भेज देती है, मम्मी लोग हस्बैंड को ऑफिस भेजते हैं, सब तैयारी करके भेजते हैं, तभी तो बच्चे स्कूल जाएंगे या हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। तैयारी नहीं करने से तो नहीं जा पाएंगे ना। तो ये नहीं कि सिर्फ किचन का तैयारी करते हैं, किचन का साथ साथ बाकी काम भी तो करते हैं, तभी जाके तैयार। तो फिर ऑफिस से आते ही घर नीट एंड क्लीन रहे, तो फैमिली का साथ बैठ के बात करने में सभी को अच्छा लगता है, और वो सब काम कौन करता है, तो इंडियन हाउसवाइफ ही करती है। तो इसीलिए सब काम जब हो जाता है और थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग अपने अपना ध्यान भी रखें और अपना पर भी कुछ खर्चा करें और अपना पर भी कुछ करें। तो यही मैं दिखा रही थी, ये इयररिंग आपको कैसे लग रहा है। ये शायद मैं लास्ट ईयर या कभी लाई थी और बहुत मुझे ये पसंद आता है, लेकिन इतना आलसी हो गए हम लोग कि इसको चेंज करने को टाइम नहीं हो रहा था। मैं कई दिनों से एक पहनी थी और चेंज नहीं कर पा रही थी, बिजी थी, तो इसीलिए मैं सोची कि इसको चेंज करूंगी। और हर हाउसवाइफ को हक है, हर हाउसवाइफ को हक है कि वो सजे संवरे और अच्छा ड्रेस पहने, अच्छा इयररिंग पहने या ज्वेलरीज खरीदे। ये नहीं कि वो सिर्फ काम करने के लिए बनी है, तो ये किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ काम करने के लिए बनी है और सिर्फ घर का ध्यान रखने के लिए बनी है और सिर्फ सभी का ध्यान रखने के लिए वो बनी है। घर में सब बहुत लोग होते हैं, घर में जो लोग जॉइंट में रहते हैं उनके तो मतलब और भी बड़े फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो पेरेंट्स लोग का भी ध्यान रखना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। तो मोस्टली सभी हाउसवाइफ को मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहने का कभी ना कभी मौका मिलता है और उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। अपना एक बच्चा या दो बच्चा होता है, लेकिन अगर एक्सटेंडेड फैमिली में हैं हम लोग तो और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और रखना चाहिए। सभी लोग रखें, उनका रखना चाहिए, ये भी अपना ड्यूटी है और काम है, यही समझ के करें, वो तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपना ध्यान भी हमें रखना है और अपने तरह से भी हमें जीना है, हमें डोमिनेटेड नहीं होना है। बस यही बात है कि हम लोग औरत हैं, हम लोग घर में रहते हैं या घर का काम करते हैं। अब बहुत जन है जो बाहर भी जाते हैं फिर भी डोमिनेटेड होते हैं, तो ऐसे हम लोगों को डोमिनेटेड नहीं होना है, अपने तरीक़ा से हमें जीना है।
ये साबुत मूंग दाल है, इसको थोड़ा भिंगाई हो सुबह से, और जैसे ही अच्छी तरह से ये फूल जाएगा इसको बॉयल करके मसाले के साथ इसको कुक करना है। बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ चावल के साथ खा सकते हैं। और इसी बीच में, काम के बीच में मैं थोड़ा करेला फ्राई कर ली। आज भी करेला और आलू का फ्राई की हूँ और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सिंपल सा है, नमक हल्दी के साथ। जब हो जाएगा थोड़ा धनिया और मिर्ची का पाउडर मैंने डाल दिया है, अभी इसको मिक्स कर लेना है। काफ़ी टेस्टी लगता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं लगभग जब भी रहता है करेला बना लेती हूँ। ये बुद्धा का जो है ना, इसमें पानी डालना पड़ता है, पानी सूख गया है तो इसीलिए ये फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें पानी डालना पड़ता है। जैसे ही पानी डाल देंगे फिर वो अपने आप होगा। बस अभी भरपूर पानी भर गया है, ऑलमोस्ट 1 ग्लास लाई थी, आधा ग्लास से ज़्यादा लग गया, और अभी मैंने ऑन कर दिया है। भरपूर पानी बह रहा है देखिए। और ये कितना, 5 दिन तक, 6 दिन तक अच्छा चलता है, अच्छा हो जाता है। मतलब उस इतना पानी से 5-6 दिन तक अच्छा चलता है, सूखता नहीं है। और लेकिन फिर भी इसको रेगुलरली देंगे तो अच्छा, तो बहुत मुझे ये अच्छा लगता है देखने के लिए। अभी पानी का फ्लो पूरा स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही पानी का फ्लो होता है और इसका एक कल कल आवाज भी आती है जैसे ही पानी गिरता है। थोड़ा स्पिल हो रहा है क्योंकि अभी तुरंत मैं चला दी, तो थोड़ा सा स्पिल हो रहा है। नीचे में एक बल्ब जल रहा है जो लाइटेड दिख रहा है, वहाँ नीचे एक बल्ब है। तो ऐसे ही पानी कंटिन्यूअस चलता रहता है, 4-5 दिन तक तो चलता रहता है। और कोई लोग बहुत डरते हैं कि नहीं, हम नहीं सहेंगे तो फिर हम पर क्या आफत आ जाएगी। कुछ आफत नहीं आएगी, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल के कुछ भी कर रहे हैं, उसको कोई रोक लगा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो ये बुरी चीज़ है, इसको सहना नहीं है, है ना। हम भी अपना लिमिट में रहे। हाँ, लिमिट क्रॉस करेंगे तो सभी लोग बोलेंगे, लिमिट में रहे, हम भी अपना लिमिट में रहे और अपना ड्यूटी एकदम फुल्ली करें। ड्यूटी अगर हम नहीं करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अपना ड्यूटी हम तो करेंगे, करना है। ड्यूटी का साथ साथ हमें भी थोड़ा फ्रीडम चाहिए। ऐसा नहीं कि हम औरत हैं, हम कार नहीं चलाएंगे, हम स्कूटी नहीं चलाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे, हस्बैंड का साथ ही जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वी शुड बी इंडिपेंडेंट, और हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, मौका देना चाहिए। तो यही बात मैं आज थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी कि कितना भी बिजी हाउस वाइफ, बिजी मॉम सभी लोग हम लोग हैं ही हैं। घर का काम इतना करते हैं, अपना ध्यान रखना भी भूल जाते हैं, और पहले बच्चे आते हैं, फिर बड़े बुजुर्ग घर में है तो वो भी आते हैं, तो इसी से मतलब हम अपने बारे में भूल जाते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम अपने को भी दो, और कभी अपने लिए भी थोड़ा फ्री टाइम निकालो। कुछ अपने को भी रिलैक्सेशन चाहिए यार। रिलैक्सेशन नहीं लेंगे तो फिर सभी को हम लोग रिलैक्सेशन दे रहे हैं ना, तो अब अपने लिए थोड़ा रिलैक्सेशन भी तो चाहिए ना। हम भी थोड़ा रिलैक्स होंगे तो फिर नेक्स्ट डे हम भी फ्रेश होके काम करेंगे, और हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, हम घुट घुट के जियेंगे तो फिर हम अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छा से काम नहीं करेंगे तो सब बिगड़ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है, डोमिनेटेड मत हो, डोंट लेट एनीबडी टू डोमिनेट यू, और अपना ड्यूटी भी करो। तो फ्रेंड्स, यही है इंडियन हाउसवाइफ, इंडियन मॉम का स्टोरी, सब कुछ बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए,
चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं विद बेल आइकन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू एंड बाय बाय.